इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें। जैसे प्रभु ने पूछा कि हम किस मार्ग जाएं, भरद्वाज जी ने क्या कहा, आपको सब मार्ग सुगम है, चाहे जिस मार्ग जाइए। नहीं, चार शिष्य अर्थात चारों वेद भगवान जो अध्ययनरत थे विप्रवेश में, ब्राह्मण ब्रह्मचारी के वेश में नारायण, उनको बुलाए। हम आप सनातन धर्म वेद पथ को मानता है, ये जो श्री रामचरित मानस जी है ना, बाबा ने कहा नाना पुराण निगम आगम, जो संत सम्मत हैं इनके अलावा रामायणे निगदितम क्वचिद अन्यतो क्वचित अन्यतः अपि, और जो शेष बचे हैं ओ सबको मिलाकर अपने अंतःकरण के सुख के लिए मैं रच रहा हूं, इनकी कृपा है भोले बाबा की। जो कार्य आपकी आत्मा को सुख प्रदान करेगा वही सबको सुख प्रदान करेगा, मन को नहीं। मन स्वभाव से विकारी है, उड़ता रहता है, डोलता है। मन के पास, बारंबार कहता हूं, पांच इंद्रियां हैं, इन्हीं का आश्रय है, इन्हीं पर ही आरूढ़ होता है, विषयों तक जाता है, वहां सुख ढूंढता है, आनंद ढूंढता है, लेकिन वहां कहां परम सुख मिलना, वहां केवल सुख विषय का रस है, उनको प्राप्त करके फिर वापस अपने घर चला आता है। वह कार्य जो हमारी आत्मा को सुख प्रदान करता है, वह लोक मंगल करता है। परमात्मा का हर व्यवहार, हर कार्य जीव की आत्मा को सुख देता है, आनंद प्रदान करता है। भगवान की कथा आत्मा को सुखी करती है, जीव को आनंद बोध करा देती है। भरद्वाज जी ने चार वेद भगवान को दिया और कहा जाइए इनको यमुना तक अथवा तो जहां तक राम जी कहें, आगे तापस प्रसंग है। विद्वानों का अपना अपना मत है, गुरुदेव भगवान कहते हैं साक्षात पूज्यपाद गोस्वामी जी महाराज कलिपावनावतार भगवान के श्री चरणों में समाधि में दंडवत करने पधारे, उल्लेखनीय मुस्कुरा पड़ी। गांव नगर के बाहर सबको सौभाग्य देते हुए मेरे प्रभु मार्ग में थनिक विश्राम करते हैं, माँ को सुख देते हैं, फिर आगे बढ़े। गांव की माताएं पूछती हैं कोटि मनोज लजाम निहारे सुमुख कहूं को कौन है। माँ पहले भैया का परिचय देती हैं, फिर ठाकुर की ओर देखकर मर्यादा का निर्वाह करती हैं। माताएं समझ जाती हैं, आशीष देती हैं। देखो शालीनता, शीलता, लज्जा, शीलता पुरुष का गुण है और लज्जा स्त्री का गुण है। जो लज्जा का जितना वर्ण करता है उतना उसकी लोक और परिवार में प्रशंसा होती है। जो व्यक्ति शीलता का वर्णन करता है उसकी लोक परिवार समाज में प्रतिष्ठा होती है। बड़े शीलवान हैं, बड़े संस्कारी हैं, प्रभु हमारे शीलता की प्रतिमूर्ति हैं।
विश्राम किए, अगले दिन निकले बाहर, वन प्रदेशों का दिव्य भाव से दर्शन करते हुए बाबा वाल्मीकि जी के आश्रम पर पहुंच रहे हैं ठाकुर। बाबा ने यहाँ निर्णय दिया है, भगवान के वनवासी स्वरूप का जो भी हृदय में धारण करेगा वह राम जी के परम धाम को प्राप्त होगा। यमुना पास से ब्रह्मचारियों को निषाद जी को भगवान ने विदा दिया है, बाबा वाल्मीकि जी के पवित्र आश्रम पर पधारे। इस प्रसंग का थोड़ा विस्तार किया है कागभूषण जी ने। वाल्मीकि प्रभु मिलन बखाना, चित्रकूट जिमि बसे भगवान। बाबा वाल्मीकि जी ब्रह्म तत्व वेत्ता है, हम बहुत जानते हैं, हम बहुत माला जपते हैं, हम बहुत भजते हैं, बहुत पारायण करते हैं, इसका मतलब हम भगवत स्मरण से विरत हों। अरे रस लग जाएगा तो और बढ़ता जाएगा। जीवन है राम कथा, प्रवाह है राम कथा, बाबा वाल्मीकि जी ने सुना राम जी आए, ब्रह्मचारियों से आगे बढ़े स्वागतार्थ। प्रभु ने बाबा वाल्मीकि जी के सिर चरणों में साष्टांग दंडवत किया है, आशीर्वाद पाए। बाबा वाल्मीकि जी भगवान को आश्रम लाए, आसन पर बैठाए, कंद मूल फल खिलाए, स्तुति किए, नेत्र भर लिए, महान आनंद प्राप्त हुआ। प्रभु विश्राम कर रहे हैं, वाल्मीकि जी उनका दर्शन कर रहे हैं। विश्राम से भगवान उठे और सत्संग होने लगा। क्षणिक समय मिले तो भगवत चर्चा करते रहना चाहिए, क्षणिक भगवान की चर्चा एक पल में ही मंगल प्रदान करती है। एक घड़ी आधी घड़ी आध्यु में पुनियाद, तुलसी संगत साधकी हरे कोट अपराध अपराध। देखिए तीन प्रकार के जीव हैं धरा पर, एक भौतिक तत्व प्रधान जीव हैं जिनको सुबह से शाम तक उठते क्या बना है हो, आलू का पराठा लाओ झोंके, दोपहर में चार चीज बनी है अच्छा लाओ, चार बजा अब का हो, सुबह से शाम तक केवल भोजन भट्ट, कोई मतलब नहीं। शरीर से जिनका संबंध होता है सुबह से शाम तक खाने की ही रचना बनाए रहते। एक दूसरे प्रकार के जो लोग हैं धरती पर, शरीर नहीं व्यर्थ के व्यवहार में जिनकी बुद्धि घूमती रहती है, कहाँ गए थे, कौन आए, कहाँ गए, क्या करते हो, कितना क्या कर लिया, शरीर नहीं व्यर्थ के व्यवहार में दूसरे जीव। एक तीसरे जीव अब हैं जो न शरीर का ध्यान रखते हैं, न व्यवहार का ध्यान रखते हैं, केवल परमार्थ का ध्यान रखते हैं। मेरी आप सबसे प्रार्थना है
शरीर किसी का मरता वरता नहीं है। आज मैं दोपहर में जब अध्ययन में था तो सोच रहा था कि अब मेरे जीवन के कितने वर्ष बचे। आदमी सोचता बचता नहीं, तो गणित लगाया तो निकल के आया कि 25 वर्ष। आप भी सोच लिया करो कि कितना बचा है। क्यों? क्योंकि आप चाहोगे तो भी ये निकलेगा, नहीं चाहोगे यार तो भी निकलेगा, जाएगा अवश्य। ये आप कितना रोको, वो गीत आपने सुना होगा ना, तो भजले सीता राम तोते ने उड़ जाना। कोई कान में रुई लगा दो, आंख बंद कर लो, चश्मा 3 ठे पहन लो, मुंह में टेप लगा दो, नाक में रुई का फाहा लगा दो, सारे अंग बंद कर दो, 3.5 करोड़ रोम छिद्रों पर लेप कर दो, तो भी निकली ही रहने वाला। व्यर्थ की योजना बनाने से बेहतर है कि जो बचा है उसकी योजना करो। समझदार व्यक्ति भूत का निर्णय नहीं करता, वर्तमान को ठीक करता। हम ऐसे थे फिर ऐसे हुए, आगे क्या होगा नहीं, वर्तमान को व्यवस्थित करता है तो उसका भूत भी व्यवस्थित हो जाता है और भविष्य अपने आप ठीक होता है। क्योंकि भविष्य भी वर्तमान होने का, भविष्य कल रविवार है, रविवार भी कल का आज होगा, इसलिए यह प्रसंग यही कहता है। वर्तमान को व्यवस्थित करो, भविष्य गदगद चकाचक। इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें।